आज थोड़ा ठंडा दिन है और उठे हैं हम लोग। बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि तुम उठते कितने बजे हो। मैं उठ जाती हूँ 8 बजे, 7:45 लाइक हिम्मत का स्कूल लग जाता है 8:45 पे। सो हम उठते हैं 1 घंटा पहले ताकि सारी तैयारी हो पाए। इतनी एनर्जी नहीं मेरे पास फिलहाल। सो मुझे बहुत ठंड लगती है और हिम्मत को उठा दिया है मैंने। वो नीचे है, थोड़ा फ्रेश हो रहा है और खा रहा है अपना ब्रेकफास्ट, सीरियल खा रहा है वो। और मैंने सोचा कि जल्दी से मैं मेरा स्किन केयर कर लेती हूँ और आज मैं मेरे स्किन केयर को रिकॉर्ड भी करूँगी, क्योंकि जो भी मेरी सुबह होती है बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। लाइक बहुत सारे टास्क करने होते हैं मुझे और इतनी एनर्जी भी नहीं होती मेरे पास, और सुबह मेरे लिए हमेशा डिफ़िकल्ट होती है, स्पेशली दीज डेज, क्योंकि एकदम से उठ के अपने जोड़ों को हिलाना विलाना इतना आसान नहीं है। सो या मैं स्किन केयर करने के लिए आई हूँ, इसी वजह से मैं उठते ही वीडियोस नहीं बना पाती हूँ। सो कल मैंने मेरे बालों को स्टाइल किया था और मैंने मेरे बालों को काटा भी था कल रात को। और या ऐसा कुछ खास हेयर कट नहीं किया, काटना तो मैं चाहती थी कि मैं थोड़ी ज़्यादा लेंथ काटूँ, पर फिर मुझे लगा कि यार नहीं, मैं ज़्यादा लेंथ नहीं काटना चाहती, तो बहुत कम काटा है मैंने। सो जल्दी से आप वो मेरे क्लिप देख के आ जाएं कि मैंने मेरे बालों को कैसे काटा है। जो मैं स्किन केयर की, मेरी मॉर्निंग स्किन केयर की वीडियो शूट करूँगी वो मैं आपके साथ अलग से शेयर कर दूँगी। सो यहाँ पर आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। सो मैं आपको डाउनस्टेयर ही मिलूँगी मोस्ट प्रोबेबली। ऑलराइट प्यारे दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं हेयर कट। हेयर कट करने के लिए सबसे पहले मैं मेरे बालों को अच्छी तरह ब्रश कर लूँगी ताकि कोई भी टैंगल नहीं रह जाए। और दूसरी बात है कि मुझे बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि मेरा हेयर कट कौन सा है या मेरे हेयर कट का नाम क्या है, तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि बहुत सालों से मैंने मेरे बालों को कटवाया नहीं है। मैं यही प्रोसेस यूज़ करती हूँ मेरे बालों को रिफ्रेश करने के लिए। मुझे लगता है कि अराउंड 3 साल पहले मैंने मेरे बाल कटवाए होंगे। सो वंस मेरे बाल अच्छी तरह ब्रश हो चुके हैं, हम इनको करेंगे पार्टीशन आगे से एंड पीछे से। मिडल पार्टीशन करने के बाद मैं इनको 2 चोटियों में टाई कर लूँगी, लाइक नॉर्मल रबर यूज़ करके। और वंस मेरी चोटियाँ बन गई और मैं अब इनको लेंथ के एंड पे भी टाई कर लूँगी ताकि मुझसे कोई गलती नहीं हो। पहले तो मेरा प्लान था कि मैं थोड़े ज़्यादा बाल को काट लूँ, पर फिर मुझे लगा कि यार मेरे बाल बहुत मुश्किल से बढ़ते हैं और मुझे आजकल लंबे बालों का मन है, तो फिर मैंने सोचा कि सिर्फ रफ एरिया को ही काटती हूँ जो बाल ज़्यादा स्प्लिट एंड से भरे हुए हैं और अनहेल्दी दिख रहे हैं। अगर आप इतना सा अपने बालों को काटते हैं तो आपके बाल फ्रेश लगने शुरू हो जाते हैं। सो मैंने थोड़ी थोड़ी लेंथ को काटा है, वहाँ तक काटा है जहाँ मेरे बाल बहुत रफ थे, और अब मेरे बाल कुछ इस तरह के दिख रहे हैं। और अब मैं करूँगी स्प्लिट एंड्स को काट। उसके लिए मैं हर एक बालों के छोटे छोटे सेक्शन लेती हूँ और उनको अच्छी तरह रोल कर लेती हूँ टाइट अपनी फिंगर्स के साथ। बालों को ओपोजिट डायरेक्शन में लेके जाती हूँ। जो भी बाल मेरी इस टाइट सेक्शन से बाहर आ रहे हैं इनको मैं काट दूंगी, क्योंकि ये स्प्लिट एंड्स हैं। इस चीज़ के लिए मैं खूब सारा समय स्पेंड करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्प्लिट एंड्स को मैं काट पाऊँ ताकि हेल्दी बाल बाहर आ पाएँ। और इसके बाद मेरे बाल कुछ इस तरह के दिख रहे हैं। और मैंने मेरे आगे से बालों को भी थोड़ा सा काटा है ताकि मेरे बाल लेयर्स जैसे लगे, बहुत ज़्यादा नहीं। बस ये नन्ना सा सेक्शन मेरे बालों के फ्रंट से लिया है और मेरे चेहरे की लेंथ से थोड़ा सा लाइक 1/2 इंच ज्यादा इनको काट लिया है। दैट्स इट, मेरा हेयर कट हो चुका है। ऑलराइट दोस्तों, सो इस समय मैं हूँ मेरे वॉशरूम में। क्यों? क्योंकि मेरी स्किन केयर की वीडियो का नन्ना सा हिस्सा मुझसे मिस हो गया था जो मुझे दोबारा शूट करना पड़ा, जो मैंने कर लिया है अब। एंड 1-2 पिक्चर्स भी क्लिक की हैं मैंने। और अब मेरे दिल में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, उनमें से एक विचार है कि मैं मेरे बालों को रंग कर लूँ। रंग ब्लैक करना चाहती हूँ मैं, क्योंकि मुझे ब्लैक रंग बहुत अच्छा लगता है। मेरे बालों का नेचुरल रंग ब्राउन किस्म का है, लाइक लाइट टू डार्क ब्राउन। सो कुछ समय पहले, 2-4 साल पहले मैंने एक दो साल पहले पता नहीं यार, आई थिंक 3-4 साल कुछ साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने मेरे बालों को ब्लीच किया था। वो वीडियो आप लोगों ने बहुत पसंद की, पर उसमें बहुत सारे शंका के मैसेजेस आते रहते हैं कि ये काम नहीं करता है, ये काम नहीं करता है, तुम्हारे बाल ऑलरेडी ब्लीच थे। एक्चुअली मेरे बाल ऑलरेडी कलर्ड थे, क्योंकि मैंने वो सेम मेथड पहले भी यूज़ किया था।
एंड देन मैंने उस वीडियो को दोबारा से बनाया, पर फिर भी बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस आते रहते हैं कि उनको उस मेथड पे यकीन नहीं है। मैंने उस वीडियो में बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था कि ये जो मेथड है आपके बालों के लिए हेल्दी नहीं है, ये अपने रिस्क पे करें क्योंकि आपके बाल स्प्लिट हो सकते हैं, लाइक स्प्लिट एंड्स आ सकते हैं, बहुत सारे बाल रफ हो सकते हैं, बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। पर फिर भी अगर आपको स्टाइल मानना है बजट में और घर में रह के, तो आप वो मेथड यूज़ कर सकते हैं। मेरा ये सारी बातें आज बताने का क्या मकसद है, वो ये है कि मैं मेरे बालों को काला रंग करना चाहती हूँ, पर अब मेरे बाल पूरे काले हैं। अगर वो मैं ब्लीच का मेथड अब आपके साथ शेयर करूँ तो बहुत सारे दोस्तों का यकीन हो सकता है। सो मैं सोच रही थी कि मेरे बालों को काला करने से पहले क्यों ना मैं ब्लीच कर लूँ, ताकि जो दोस्तों को वीडियो पे यकीन नहीं हुआ था उनको अब हो जाए कि अगर वो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और ब्लीच करने के बाद अपने बालों को आपके साथ शेयर करने के बाद मैं उसको काला रंग कर सकती हूँ। सो ये दो शंकाएं मेरे दिमाग में हैं कि सीधा काला रंग कर लूँ या पहले ब्लीच करके देन काला रंग करूँ, ताकि उसका वो भी फ़ायदा हो जाए जो दोस्त डबल लाइक ऑम्ब्रे करना चाहते हैं अपने बालों को। उसमें मैंने बताया था कि अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो काले बालों पे काफ़ी अजीब सा लगता है, क्योंकि मेरे नेचुरल बाल ब्राउन है तो वो एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। सो ये भी एक्सपेरिमेंट हो जाएगा अगर काले बाल वाले दोस्त करते हैं तो कैसे लगेगा, क्योंकि अब भी मेरे बालों की हालत काफ़ी ज़्यादा डार्क है। कैमरे में तो काफ़ी काले लग रहे हैं, वैसे ओरिजिनल में मुझे ब्राउन दिखने शुरू हो गए हैं। सो यही है शक। आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, कल मुझे एक बहुत ही अमेजिंग डिलिशियस वीडियो शूट करनी है, जिससे पहले मुझे आज के सारे काम कंप्लीट करने हैं। और हम हमारी लैशेस में बहुत सारी नई लैशेस ऐड करने वाले हैं, लाइक हॉलीडे कलेक्शन, सो जो कि हॉलीडेज के रहते ही रहेगी स्पेशल स्टाइल्स, उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सैम्पलिंग चल रही है और जल्दी ही वो आ जाएंगे हमारी वेबसाइट पे। और क्या कर रही हूँ मैं आज, ये जो मैंने मेरी स्किन केयर की वीडियो की है इसको मुझे एडिट करके शेयर करना है, यही है फिलहाल के लिए। सो हम हमारे बालों को स्किप कर देते हैं, आज नहीं करते हैं, कल भी नहीं कर पाएंगे, कल बहुत बिजी हैं। सो कल ट्यूसडे है, वेडनेसडे करेंगे, पर पहले हम हमारे ब्लीच कर लेंगे ताकि साबित कर पाएं हम क्या सच्चाई क्या है। हिम्मत की अभी क्लास चल रही है, समय हुआ है 2, हिम्मत की क्लास बस कुछ ही देर में फिनिश होने वाली है। अब मैं जाने वाली हूँ डाउनस्टेयर चाय पीने के लिए। चाय मैं पहले पीना चाहती थी और मैंने सोचा कि जो मेरा टास्क है आज का उसको कंप्लीट कर लूँ। और दूसरी बात है कि आर्य की वीडियो भी मुझे शूट करनी है। यार मैं इतनी ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ कि भूल जाती हूँ। आर्य के पार्ट 2 में हम एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन की बात करने वाले हैं, वो भी हम लोग डेफिनेटली बहुत जल्दी करेंगे। उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं अपने आर्य को और अपनी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या कर रही हूँ, कैसे मैं अपने आप को हील कर रही हूँ सेल्फ हीलिंग यूज़ करके। यस मैं दवाई तो खा रही हूँ, पर अकेली दवाई चीज़ें मैनेज नहीं कर सकती है, उसके साथ मैं और भी बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रही हूँ, लाइक खाने वाली चीज़ें भी कुछ कर रही हूँ, बट मेनली मैं फोकस कर रही हूँ इनर हीलिंग में, लाइक स्पिरिचुअल हीलिंग, मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन, उसमें मैं ज़्यादा काम कर रही हूँ और वो सारी चीज़ें मुझे मदद भी कर रही हैं। सो या उस पर हम बहुत सारी बात करेंगे, क्योंकि वो टॉपिक मुझे बहुत इंटरेस्ट देता है और मैं बहुत ज़्यादा कीन हूँ वो वीडियो को बनाने के लिए, कि बहुत सारे दोस्तों को पता चले कि वो भी अपने आप को हील कर सकते हैं। बस अपने आप पे यकीन रखना है 100%, 1% डाउट नहीं आने देना, देन यूनिवर्स हेल्प नहीं करेगा। यहाँ वॉशरूम में बैठ के मैं वीडियो बना रही हूँ तो मेरी आवाज़ शायद बहुत गूंज रही होगी, सो जिन दोस्तों को ये अनॉइंग लग रहा है, सॉरी। मैं अगले ही पल आपको मिलती हूँ नीचे जाके या कुछ करके, सो आई एम सॉरी। ओके दोस्तों, तो पति के घर आते ही हमने पति को खिलाए हैं स्प्रिंग रोल्स 3 डिफरेंट चटनियों के साथ। अब देखिए हमने सैलेड भी बनाया है ताकि पति खुश हो जाए। पति ऐड करना चाहोगे कुछ? एक्चुअली दोस्तों ये वॉइस ओवर करते हुए पति भी मेरे साथ ही बैठे हैं। इतने मजे आए, इतने मजे आए दोस्तों, मैं तुम्हें की दसा। इधर मेरी लैंग्वेज आ। Then other day we went to get my payute and now we got it. Okay, so हम लोग आए हैं हिम्मत के लिए लैपटॉप लेने के लिए। I think डैडी को कोई पसंद आ गया लैपटॉप हल्का फुल्का हिम्मत के लिए, क्योंकि ज़्यादा भारी भरकम नहीं लेना चाहते हम। So they're making mine.
फिर दोस्तों तो हम आ चुके हैं बेस्ट बाय में, और वैसे तो क्रोम बुक लेने का प्लान से आए थे, पर उसमें लाइक सिर्फ यही यूज़ कर सकता है, और हमने अब प्लान बनाया है विंडो लेने का। सो हिमा यू लाइक इट? हिमा लेने वाला है दिस वन। ओके, तो सारी फैमिली डिसाइड करी है कि कितना जाए। दिस इज फैमिली थिंग। और डैडी ने कहा कि इसके बाद वो हमें डिलीशियस मील खिलाएंगे। Humans and daddy's paying now. ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤੂੰ ਠੰਡ ਚ ਉਹ ਥੋੜੀ ਚਿਕਨ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਗਾਇਸ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ ਟ੍ਰੀ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਲਰ ਹੈ ਇਸਕਾ ਔਰ ਜੋ ਹਮਾਰਾ ਆਊਟਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਪੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਿਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਇਸਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਧੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗਿਰ ਜਾਣਗੇ ਸੋ ਹਸਬੈਂਡ ਮੇਕਿੰਗ ਚਿਕਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਬਿਕੇਜ਼ ਹਮ चिकन बिरयानी भी बना। कुछ बोलना चाहोगे, कुछ ऐड करना चाहोगे? फिर वही गल, पूरा मसाला नमक पूरा सही है, और की ऐड करना, कुछ नहीं ऐड करना। आ सारा पास ना हमने क्यों ये सारे लोग तो ना बहुत प्यार कर दिया। एवरी मैसेज टॉक अबाउट पाजी 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 ते पाजी तू ही गल ही नहीं करदे। गल करन जोगा मुनी छड्या इन्होंने। आज मैं तानू चिकन बारबेक्यू दी रेसिपी दसदा दोस्तों, आ जाओ मेरे नाल कड़ा इधर नु आ जा। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਜਾਓ ਅਸੀਂ। ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਕ ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਚੱਲੇ ਆਪਾਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਠੰਡ ਚਲੋ, ਆਪ ਤੇ ਤੇ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਏ। ਗਾਇਸ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ ਟਮਾਟਰ, ਕਿ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਈ ਚਿਕਨ ਬਿਰਿਆਨੀ। ਸੋ ਸੌਰੀ, ਚਿਕਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੁੱਕ ਜੋ ਆਲਮੋਸਟ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਰਾਈਸ ਐਡ ਕਰਕੇ ਦੈਨ ਹਮ ਕਰੂੰਗੀ। अभी इसकी शक्ल इतनी अच्छी नहीं है, पर फ्यूचर में अच्छी होगी। ऑलराइट, सो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपने ये व्लॉग को पसंद किया होगा। अगर किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं बहुत प्यार के साथ, बहुत ही लव के साथ, पैशन के साथ आपके लिए वीडियोज़ बनाती हूँ। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं? और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि एक लाइक से मुझे बहुत मदद मिलती है, मुझे पता चलता है कि जो मैं कर रही हूँ वो काम की चीज़ है। सो या दैट्स इट, और मैं मिलूंगी नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और बिल्कुल मत भूले दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटिफुल द वे यू आर। स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग। वी गाइस कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग। ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन। दैट्स ईजी, राइट? बहुत आसान है, बस हमें करना पड़ेगा। आई लव यू गाइस सो वेरी मच। बाय।